शेषनाग साक्षात दर्शन, एक ऐसी झील जिसका रहस्य आज तक कोई नहीं जान सका। नमस्कार, मैं हूं सिमरन और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन स्पिरिचुअल। भगवान शिव के अमरनाथ धाम की चर्चा तो विश्व भर में है। ये एक ऐसा रहस्यमय मंदिर है जहां भगवान शिव बर्फ के शिवलिंग के रूप में विराजमान है। ये ऐसी मान्यता है कि यहाँ भगवान शिव ने माता पार्वती को अमृतत्व की कथा सुनाई थी। कहा जाता है कि कथा के बीच में माता पार्वती सो गई थी और ये कथा वहाँ बैठे दो कबूतरों ने सुन ली थी, जिसके बाद वो कबूतर अमर हो गए। इसी के साथ मान्यता ये भी है कि ये कबूतर आज भी यहाँ निवास करते हैं। वहीं दूसरी ओर अमरनाथ जी यात्रा के बीच शेषनाग झील भी पड़ती है। ये झील 250 फीट से ज्यादा गहरी मानी जाती है। ये माना जाता है कि यहाँ भगवान शेषनाग एक बार दिन में जरूर दर्शन देते हैं और ये दर्शन केवल किस्मत वाले लोगों को ही मिलते हैं। यही कारण है कि यहाँ भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिलती है। 24 घंटों में एक बार भगवान शेषनाग यहाँ दर्शन देने जरूर आते हैं। ऐसा कहा जाता है कि झील में शेषनाग की परछाई भी नजर आती है, जो पानी में उभर कर आती है। पौराणिक कथा के अनुसार जब भगवान शिव माता पार्वती को अमर कथा सुनाने के लिए ले जा रहे थे, तो वह ये नहीं चाहते थे कि इस कथा को कोई भी सुने, क्योंकि जो भी इस कथा को सुनेगा वह अमर हो जाएगा। इसलिए भगवान शंकर ने नागों को अनंत गांव में, नंदी को पहलगाम में और चंद्रमा को चंदनवाड़ी में छोड़ दिया। केवल शेषनाग ही उनके साथ गए। इसके अलावा एक मान्यता यह भी है कि शेषनाग भगवान ने खुद इस झील को अपने रहने के लिए खोदा था। यहाँ के स्थानीय लोगों का यह कहना है कि भगवान शेषनाग यही निवास करते हैं और आज तक कोई भी इस झील को पार नहीं कर पाया है। ऐसे ही अन्य खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल नेक्स्ट नाइन स्पिरिचुअल को। तब तक के लिए धन्यवाद।